विद्यार्थी हूँ तथा मैं आप सबके सामने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में दो शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी ने 39 वर्ष की आयु में जो कर दिखाया उसे करने के लिए आपको अनेक शताब्दियों का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस तरह का व्यक्ति, इस तरह की प्रतिभा आपको आने वाले अनेक समय तक देखने को हो सकता है न मिले। मात्र 30 वर्ष की आयु में जब वे शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए तो उन्होंने हिंदू धर्म को वहां पे जाके एक सार्वभौमिक पहचान दिलाई। उनके बारे में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने सही ही कहा है कि वे शख्स थे जिनमें आप अगर भारत को आपको जानना है तो आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। आप उसमें सब कुछ सकारात्मक पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा है कि स्वामी जी के दिव्य आने की संभावना की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन कर लेता था। उनकी प्रतिभा विलक्षण थी, मतलब एक तरह से जो वो एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना उनकी अपनी विशेषता थी। एक बार वो हिमालय प्रदेश में गए तो एक अनजान व्यक्ति से टकरा कर जब वे टकराए तो उस अनजान व्यक्ति के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा शिव। मानो कि स्वयं उनके जो आराध्य देव है उन्होंने अपना नाम उनके मस्तक पर लिख दिया हो, इतनी उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। न केवल वे एक संत बल्कि एक महान देशभक्त, एक सफल वक्ता, एक मानव प्रेमी भी थे। जब वे वापिस वहां शिकागो से लौटे तो उन्होंने कहा, एक आह्वान किया देशवासियों से कि नया भारत निकल पड़े मोजकियों की दुकान से, धंधे के भाग से, आज से बाजार से पर्वता मारते। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष धर्म और दर्शन की पुण्य भूमि है। यहाँ पे बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों आदि की जन्म भूमि है तथा यहाँ बड़े बड़े बलिदानियों एवं देशभक्तों की भी भूमि है। उन्होंने युवा वर्ग को संबोधित करके काफी काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हे युवा, तुम उठो, जागो और स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जीवन को सफल बनाओ और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। ये बात हमारे लिए आज तक एक अच्छी बात है जो उन्होंने कही उस वक्त, आज से 100 वर्ष पूर्व उन्होंने बात कही और आज तक हमारे लिए ये बात प्रासंगिक है। बहुत से युवा सन्यासी उन्होंने तैयार किए, उन्होंने उन सन्यासियों को हर तरफ गांव में भेजा और उनसे अपने इन बातों का प्रचार प्रसार करवाया। वे हिंदू धर्म के लिए एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। उस वक्त जब हिंदू धर्म की अवस्था अत्यंत दरिद्र थी, जब भारतवर्ष गुलामी की बेड़ियों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, वे इस बात से आश्वस्त थे कि यदि धरती की गोद में ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी की ईमानदार कोशिशें की है तो वह भारतवर्ष ही है। उनके सन्यासी शिष्यों ने अंतिम रूप में उनके जाने के बाद एक बात कही कि हमें एक और विवेकानंद चाहिए यह जानने के लिए कि उस विवेकानंद ने क्या कार्य किया अब तक। इसी के साथ मैं अपना यह संबोधन इसी के साथ समाप्त करता हूं। अपने आप को इस मातृभूमि का अंग मानते हैं और जब शिकागो इतना